नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आ चुका है Honor Band 6 अपने एक अलग ही नए अवतार में। ये अपने सारे पहले वाले जो प्रेडिसेसर्स थे उनसे सबसे अलग है। तो इसमें आता है 10 वर्कआउट मोड्स, कस्टमाइजेबल फेसेस, 1.47 इंच के एमोलेड स्क्रीन और बहुत कुछ। देखते हैं ये सारे फीचर्स को हम डिटेल में, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसके अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर के कंटेंट्स। तो अगर देखें तो हम ये बॉक्स हमारा ऑलमोस्ट जो हमारा पहला Honor Band 5 था उसी की तरह है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम ही सेम बॉक्स यूज़ किया गया है। लेकिन एक मेजर डिफरेंस जो इसमें आप देखेंगे तो फॉर्म फैक्टर का है। तो इसमें ये टोटली अलग टाइप का बैंड है जो पहले Honor Band की 543 सीरीज थी उनसे काफ़ी हटके। तो बॉक्स में हमें मिलता है सबसे पहले एक चार्जिंग केबल जो कि एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है और ये पूरी तरह से अलग है हमारे Honor Band 5 के स्ट्रैप से। अगर हम इसको साइड बाय साइड रख के देखेंगे तो देखिए, ये पहले वाला जो स्ट्रैप था ये डॉकिंग केबल टाइप स्ट्रैप था, बट अभी जो स्ट्रैप है इट्स अ मैग्नेटिक टाइप ऑफ स्ट्रैप। तो ये एक अगेन अ मेजर चेंज है। ये जो चार्जर केबल है इसमें शायद साउथ एंड नॉर्थ पोल का सेटिंग दिया हुआ है। आप इसे दोनों तरफ से नहीं फिट कर सकते हैं चार्जिंग के वक्त, आपको किसी तो एक ही साइड से इसको फिट करना पड़ेगा। अगर आप ट्राई करेंगे कि दूसरे टाइप से अटैच करें तो ये अटैच नहीं होगा। यहाँ पे एक पुश कर रहा है हमारे बैंड को, जो कि एक काफ़ी अलग फीचर ये देखने को मिल रहा है कि इसे सिर्फ एक साइड से ही लगाया जा सकता है और पोलैरिटी का डिफरेंस यहाँ पे दिखता है। इसके बाद अगर हम हमारा मेन यूनिट देखते हैं तो ये यूनिट काफ़ी अलग लग रहा है, काफ़ी बड़ा सा इसमें स्क्रीन दिख रहा है सामने की तरफ। साइड में Honor लोगो आता है और बैक साइड में इसके हैं सेंसर्स जो हैं हार्ट रेट, ऑक्सीमीटर और चार्जिंग के पोर्ट। दोस्तों चलिए कर लेते हैं फटाफट हम इसे पेयर और देखते हैं इसके आगे के फीचर्स। तो पेयरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले हुए हेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, हमें इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपका पहले से अकाउंट क्रिएटेड नहीं है तो आपको शायद इसमें साइनअप करना पड़े। और यहाँ पे हमारा पेयरिंग हो जाता है और इमीडिएटली हमें दिखती है ये हमारी पहली होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे हमें कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्टेप्स, कैलोरी बर्नड एंड बैटरी इंडिकेटर। दोस्तों स्क्रीन साइज़ की अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये एक एमोलेड स्क्रीन है 1.47 इंचेस, जो कि थोड़ा बड़ा स्क्रीन दिया गया है कंपेयर टू Honor Band 5, और एक रेक्टेंगुलर शेप का स्क्रीन है। और इसका जो पिक्सल्स है दोस्तों 194x368 पिक्सल्स है, जो कि अगर हम अगर डिस्प्ले की साइज़ बड़ी है तो ये पिक्सल्स थोड़े कम लग रहे हैं और इसी के वजह से PPI रिजोल्यूशन भी इसका कम होगा। PPI कहीं पे भी मेंशन नहीं है Honor के स्पेसिफिकेशंस में, तो हम लोग इसे देख नहीं पा रहे, कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि PPI कितना है। बट स्क्रीन की तरफ देखते हुए ऐसा लग रहा है थोड़ा पिक्सेलेटेड स्क्रीन, दैट मीन्स कि PPI इज़ नॉट अप टू द मार्क। तो स्क्रीन साइज़ तो बड़ी हुई है लेकिन PPI इंक्रीज़ नहीं हुआ है। दोस्तों अगर होम स्क्रीन की बात करें तो होम स्क्रीन में हमें यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट, और हमें यहाँ पे टोटल 5 विजेट्स मिल जाते हैं जिसमें कि एक्टिविटी रिकॉर्ड, म्यूज़िक, अली पे शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं होगा, वेदर का ऑप्शन हमें दिखता है और Honor का प्रोप्राइटरी ट्रू सीन HR मॉनिटरिंग हमें यहाँ पे दिख जाता है, जो कि एक रियल टाइम HR मॉनिटरिंग है और एक ग्राफ बेहतरीन सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम अगर स्क्रीन को स्लाइड अप करते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन ऑन कर सकते हैं, 5 मिनट के लिए कंटिन्यूस ऑन रख सकते हैं, फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली अलार्म ऐड कर सकते हैं, फाइंड फोन का फीचर यहाँ पे दिया हुआ है और हम हमारे बैंड को साइलेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हमें यहाँ पे ऑप्शंस में जाना है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली स्क्रीन से कोई ऑप्शंस में नहीं जा सकते हैं, हमको साइड में एक जो बटन दिया है वो प्रेस करना है। और जैसे हम साइड का बटन प्रेस करते हैं हमें यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, वर्कआउट्स, फ्लैश, HR, SPO2 एंड बहुत सारे अदर ऑप्शंस। दोस्तों वर्कआउट मोड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 प्रोफेशनल वर्कआउट मोड्स हमें दिख जाते हैं। इनमें से 6 वर्कआउट मोड्स ऑटो डिटेक्ट हो जाते हैं, जैसे आप एक्टिविटी स्टार्ट करते हो ये उस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। और ये 6 वर्कआउट मोड्स हैं रनिंग, वॉकिंग, रोइंग मशीन,
एलिप्टिकल मशीन एक्सेट्रा। और वर्कआउट के टाइम हमें यहाँ पे मिलता है रियल टाइम हार्ट मॉनिटरिंग, तो पूरे वर्कआउट का ड्यूरेशन में आपका हार्ट का ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेगा, और आप देख सकते हैं कि आपका हार्ट रेट कैसे फ्लक्चुएट हो रहा था जब आप वर्कआउट इंटेंस कर रहे थे या स्लो कर रहे थे। इट्स वेरी हेल्पफुल फीचर्स, आपको प्रॉपर ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिलता है। और कुछ एक्सरसाइजेस में हमें सेलफोन को कनेक्ट होके GPS के थ्रू हमें मैप का लॉगिंग भी यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये वर्कआउट के एंड में हमें एक प्रॉपर मैप दिखा देगा कि हम कहाँ कहाँ से कौन सा रूट फॉलो किया था और सारे डिटेल्स। और एक्टिविटी रिकॉर्ड्स अगर हम चेक करें तो इसमें हमें सारे के सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, हमारी एक्टिविटी में हम कैसे परफॉर्म कर रहे थे और हार्ट रेट कैसा था, कैडेंस कैसा था, और कहाँ हमने इंटेंस वर्कआउट किया था, कहाँ लो वर्कआउट किया था, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों ब्लड ऑक्सीजन लेवल इसमें फीचर जो दिया हुआ है वो मुझे काफ़ी रिलायबल लगा, हर बार वो ऑलमोस्ट एवरी टाइम इट इज़ गिविंग मी द रिजल्ट्स, कभी भी फेलियर नहीं आ रहा है रिजल्ट लेने में, अनलेस मैं उसे बहुत ही ज़्यादा मेरा मूवमेंट है और काफ़ी लूज़ है स्ट्रैप। दोस्तों ऑनर बैंड 6 ये जो SpO2 मॉनिटरिंग करता है ये ऑप्टिमाइज्ड विद ऑप्टिकल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम्स हैं जिससे ये प्रिसाइजली हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेवल को डिटेक्ट करता है। और दोस्तों ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल का जो रीडिंग है ये काफ़ी फास्ट यहाँ पे ले रहा है, मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई है कि काफ़ी देर वेट करना पड़ रहा है, तो इट्स क्वाइट गुड। ये कंटिन्यूसली मेजर करता है अनलेस इसके पास एक प्रॉपर रीडिंग ना आ जाए, और उसके बाद ही एक वाइब्रेशन के बाद ये कंक्लूड कर लेता है कि हमारा रीडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो मॉनिटरिंग है इसे हम करने वाले हैं डिटेल में टेस्ट थ्रू यूजिंग अ प्रॉपर ऑक्सीमीटर, तो ये हमारे आने वाले वीडियोस में इसका टेस्ट होने वाला है। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम टेस्ट कैरी आउट करें तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें कि ये कितना एक्यूरेसी दे रहा है। दोस्तों स्लीप मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो ऑनर बैंड 6 अपना एक प्रोप्राइटरी ट्रू स्लीप एल्गोरिदम यहाँ पे यूज़ करता है जो कि स्टेजेस को मॉनिटर करता है और हमारा टाइम जो है कितना स्पेंड किया है वो डिटेल में हमें दिखाता है। तो स्लीप मॉनिटरिंग में ये हमें स्लीप इम्प्रूविंग के सजेशंस देता है, स्लीप स्टेजेस जो है वो दिखा देता है कि कौन कौन से स्टेजेस थे, जैसे डीप स्लीप, लाइट स्लीप, देन अवेकन टाइम, एंड इसमें मेजर स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है वो भी डिटेक्ट कर सकता है। दोस्तों इसमें ब्राइटनेस एडजस्टेबल है 1 से लेके 5 तक, 5 मतलब मैक्सिमम ब्राइटनेस, 1 मतलब लोएस्ट ब्राइटनेस, और ये लोएस्ट ब्राइटनेस पे भी काफ़ी अच्छी तरह काम कर रहा है, अनलेस ये धूप में अगर हम इसे लेके नहीं जाए तब तक तो हमें 1 पे इज इनफ फॉर अस। दोस्तों इसमें बाय डिफॉल्ट 9 फेसेस आते हैं जो आप सेट कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम योर वॉच, और इसके अलावा अगर आपको कोई एडिशनल फेसेस यूज करने हैं तो उसके लिए आपको ऐप के थ्रू ही फेसेस सेट करने पड़ेंगे। ये सारे एडिशनल फेसेस आपको ऐप में पहले डाउनलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद ये आपके वॉच पे सेट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये फेसेस काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे देख के, आपको इनमें से कौन सा फेस ज्यादा अच्छा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों अगर बैटरी की बात करें तो इसमें आता है कि 180 mAh की बैटरी जो कि स्क्रीन साइज को देखते हुए थोड़ा लोअर साइड में है, लेकिन अगर हमारा स्क्रीन का PPI कम है तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ। और ऑनर यहाँ पे दावा करता है कि 10 मिनट आप इसे चार्ज कर लें और अगले 3 दिन तक आप इसे यूज कर सकते हैं, तो आप अगर जल्दी में हैं, आपके पास समय नहीं है कंप्लीट चार्जिंग का, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे चार्जिंग के लिए रख दीजिए और अगले 3 दिन के अंदर आप कभी भी इसे फुल चार्ज कर सकते हैं। और फुल चार्जिंग होने के बाद दोस्तों यहाँ पे दावा करते हैं कि ये 14 डेज तक आपका जो टिपिकल वे ऑफ वर्किंग है वो उसमें उतना बैटरी की लाइफ रहेगी, और अगर आप हैवी यूज़ कर रहे हैं तो 10 दिन तक ये बैटरी लास्ट कर सकती है। दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग फीचर मुझे यहाँ पे ये लगा कि यहाँ का एक फ्लैश का ऑप्शन दिया हुआ है, फ्लैश का बटन प्रेस करते ही आपकी जो कंप्लीट स्क्रीन है ये कम्प्लीटली एक फ्लैश में कन्वर्ट हो जाती है, और आप अगर बहुत अंधेरा है तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसके स्ट्रैप की अगर हम बात करें तो इसमें एक इन्होंने अलग इनोवेशन किया है जिसमें कि जो हमारा ये बकल है जिसमें कि हमारा स्ट्रैप फिट होता है, यहाँ पे उन्होंने एक प्रोट्रूडिंग एंड दिया हुआ है। ये प्रोट्रूडिंग की वजह से जब भी हम हमारा स्ट्रैप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो ये एक तरह से यहाँ पे लॉक हो जाता है और ये आसानी से निकलता नहीं है। हालांकि ये नॉर्मली इसे बाहर निकालने में हमें भी दिक्कत होती है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ रही है इसे बाहर निकालने के लिए। और स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है क्वालिटी इसका। स्ट्रैप जो है ये टोटली अलग है ये जो प्रीवियस वर्जन्स ऑनर बैंड के थे उनसे, और काफ़ी स्मूथ और स्किन फ्रेंडली स्ट्रैप लग रहा है। और दोस्तों देख लेते हैं कि ये रिस्ट पे कैसे हमें फील होता है। वाओ,
काफ़ी अच्छा सॉफ्ट फील है ये जो स्ट्रैप है इसका। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कि ये कैसा लग रहा है स्ट्रैप आपको, रिस्ट पे लगाने के बाद इसकी जो बड़ी स्क्रीन है वो कैसी लग रही है। तो दोस्तों यहाँ ख़त्म होता है हमारा रिव्यू, और अगर मैं कंक्लूड करूँ इसे तो मैं कहूँगा कि ये एक सब्सटेंशियल अपग्रेड है हमारे ऑनर बैंड 5, 4 और 3, ये जो इसके प्रीवियस वर्जन थे उनसे, और काफ़ी अच्छी बड़ी स्क्रीन यहाँ पर दी हुई है। सिर्फ एक चीज़ मुझे यहाँ पर नहीं अच्छी लगी, वो थी इसका पीपीआर रेजोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता तो स्क्रीन देखने में काफ़ी अच्छी लगती, बट स्टिल मुझे बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी मिल रही है बिकॉज ऑफ लोअर रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। तो दोस्तों डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा अपग्रेड है, आप यहाँ परचेज कर सकते हैं इसे, आप सोच सकते हैं अपग्रेड करने की। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करके आपको अगर आपने अगर नोटिफिकेशन क्लिक किया है तो आपको अगले जो भी ऑनर बैंड 6 के जो टेस्ट होंगे और ड्यूरेबिलिटी के जो अलग अलग टेस्ट हम लोग करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।